हेलो नमस्कार, मेरा नाम चेतन जजानी है। मैं भुज कच्छ गुजरात से एक छोटे से गांव खटिया से हूँ। बचपन में 2 साल से मुझे पोलियो हो गया था और उसके बाद ऐसे ही मतलब नीचे ज़मीन पे चलते चलते मैंने बचपन काटा है। मेरी स्कूलिंग हुई बोर्डिंग स्कूल में, तो वहाँ से मैंने सीखा कि जब आप इंडिपेंडेंटली अकेले रहते हो तो कैसे जीते हो। घर पे तो आपको सब कुछ अपने आप हाथ पे मिलता है, मुझे भी जब मैं घर पे जाता हूँ मुझे पानी भी हाथ पे मिलता है, बट आप जब अकेले रहते हो तो लाइफ आपको सिखाती है कि अकेले जीते कैसे, इंडिपेंडेंटली कैसे मतलब जीना होता है। तो आप हर एक चीज़ को, हर एक एक्टिविटी को आप अपने आप सीखते हो, करते हो, उसके बाद आपको जब पता चलता है कि हाँ अब मैं सीख गया हूँ, तो और आप अपना लेवल बढ़ाते हो, तो आपका लेवल बढ़ता है, फिर आप सीखते हो और आप आगे बढ़ते हो। तो मैंने अभी अपने हॉस्टल में बोर्डिंग में ऐसे सब कुछ सीखा। और ये होता है ना कि आप बचपन में जितना कुछ ज़्यादा सीखते हो आपकी मैच्योरिटी उतनी बढ़ती है। मैंने अपना एजुकेशन कम्प्लीट किया, वर्क स्टार्ट किया, बट मुझे संतुष्टि नहीं थी अंदर से। मुझे लग रहा था कि यार लाइफ में कुछ करना चाहिए, सिर्फ काम करो, खाओ, सो जाओ, ये लाइफ नहीं है। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। 2016 में मुझे पता चला कि हैंडीकैप लोगों के लिए भी स्पोर्ट्स होती है। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि ऐसे कुछ होता है। मैं सोच रहा था, मुझे मन में था कि यार मुझे कुछ करना है, बट मैं व्हीलचेयर पे था। मैं सोचा यार व्हीलचेयर वाला हूँ, क्या होगा, कौन मुझे अपॉर्चुनिटी देगा, कैसे होगा। मेरे अंदर एक होप, आशा जागी कि यार हैंडीकैप के लिए भी स्पोर्ट्स है, मुझे भी कुछ करना है। मैंने बहुत कुछ देखा। मुझे पैरा पावर लिफ्टिंग गेम्स के बारे में पता चला। पैरा पावर लिफ्टिंग गेम्स में बेंच प्रेस होता है, तो मैंने वो सीखा, कोशिश करी। जिम में फर्स्ट टाइम मैं जिम में गया, जिम ट्रेनर से पूछा वहाँ पे ऑनर को, सर मुझे जिम करना है 2016 में। तो बोला यार तुम ऑलरेडी हैंडीकैप हो, तुम कैसे करोगे, तुम्हें कोई इंजरी हो जाएगी तो फिर तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा तुम्हारी, हम तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकते जिम में। मैं निराश होकर वापस चला गया, कोई बात नहीं अगली बार ट्राई करेंगे। तो मेरे वहाँ पे जहाँ पे रहता था आसपास में दूसरा एक जिम था, उनका नाम था राजेश सर। तो मैंने उनसे पूछा सर मुझे ऐसे पावर लिफ्टिंग में जाना है और मुझे प्रैक्टिस करनी है, जिम में आप आने के लिए दिए, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी दे दे, आप एडमिशन दे दीजिए जिम में, मैं कर लूँगा सब। तो ऐसे मुझे फिटनेस की जर्नी, जो मेरी फिटनेस की जर्नी वो स्टार्ट हुई। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया अपना पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग, वर्कआउट। हालांकि मुझे फिटनेस एंड सब कुछ मुझे पहले से पसंद था, पर ये था ना कि मतलब आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। तो ये सोच के मैं सोच के बैठा था भाई, मतलब मेरे पास कोई पहले से अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं, तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं और ना कोई मन में ख्याल आया। बट ये 2016 के बाद मुझे पता चला कि भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और होता है सब कुछ हैंडीकैप के लिए भी। तो मैंने अपने आप को पूरा इसमें डाल दिया। पहले दिन मैं गया जिम में, मुझे लगा यार सारे हैंडी मतलब सारे नॉर्मल है, मैं अकेला हैंडीकैप, मैं रैंकते हुए जाता था क्योंकि ऊपर के फ्लोर पे जिम था और वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। मैंने सोचा यार लोग क्या सोचेंगे, पर जब मैं जिम के अंदर गया वर्कआउट करने लगा, लोग देखते थे यार ये कैसे कर रहा है, ये हैंडीकैप है फिर भी मतलब इतना कॉन्फिडेंट कैसे, हम तो नॉर्मल होके भी इतना कुछ नहीं कर पाते। तो मुझे और भी अंदर से कॉन्फिडेंट बढ़ गया। लोग मुझे बोलते थे कि यार आप हमें इंस्पायर करते हो, आपको देख के ना हमें भी मतलब ज़िंदगी में कुछ करने का मन करता है। तो मैंने बोला यार ये अच्छी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और मुझे भी अपने आप के ऊपर और काम करना चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करना चाहिए। काम के साथ साथ, जॉब के साथ साथ मैंने जिम भी स्टार्ट किया। बट ये होता है ना कि आपको लाइफ में कुछ करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मेरा भी ऐसे हाल था, या तो जॉब करो या वर्कआउट करो, जिम की ट्रेनिंग करो, बट सब कुछ साथ में नहीं हो रहा था। मैंने और अच्छे से जॉब के लिए ट्राई किया, बट लोगों से सुनने मिला कि भाई तुम हैंडीकैप हो, तुम कैसे काम करोगे, हमारा तो मतलब फोर्थ फ्लोर पे जिम में ऑफिस से, वैसे आप कैसे पहुंचोगे, अगर हम आपको बाहर का काम दे देंगे तो आप कैसे जाओगे, हम आपको जॉब नहीं दे सकते, आपको काम नहीं दे सकते। तो ये सब बातें होती रहती है, मतलब ज़िंदगी में आप लोगों को फेस करोगे, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये सोच के आपको निराश नहीं होना है, बस आपको आगे बढ़ते जाना, दुनिया में और भी अच्छे लोग मिलेंगे आपको। ये ना जब आपका वक्त बुरा होता है तो आपको पता चलता है कि आपके जो लोग हैं आसपास वो क्या है, उनकी रियलिटी आपके सामने आती है। आपको निराश नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है, इग्नोर करो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको बुरे लोग नहीं मिलेंगे तो आपको अच्छे लोगों की पता कैसे चलेगा। तो अच्छे लोगों के कॉन्टेक्ट में आइए और अपने आप को अच्छा बनाइए, ये चलता रहेगा। मैंने स्कूल में एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया, मेडल जीते, बट वो एक स्कूल टाइम का अलग था। मुझे जाना था फिटनेस में, स्पोर्ट्स में। इसका रीज़न ये है कि आप जो नॉर्मल लोग हैं, आपके पास पैर हाथ सब कुछ सलामत है, आपका ब्रेन भी है, सब कुछ सलामत है, लेकिन मेरे पास व्हीलचेयर है। मुझे ये है कि मैं पूरा टाइम व्हीलचेयर में बैठा रहूँगा तो मैं मोटा हो जाऊँगा भाई, इस बात का मुझे डर है। तो मैं अपने आप को फिटनेस में और स्पोर्ट्स में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को फिट रख सकूँ। फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लेते, छोटी छोटी बातों पर अपनी जान दे देते।
अगर आप फिटनेस में अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाओगे तो अपनी बॉडी, अपना माइंड और अपनी सोल सब कुछ एक कनेक्टेड है। आप जितने अपने आप को फिजिकली एक्टिव करोगे, जितना अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाओगे, आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपकी सोल सब कुछ स्ट्रॉन्गर होगा। जितना आप फिट रहोगे इतना ही आपके अंदर जो क्षमता है कुछ भी प्रॉब्लम को फेस करने की वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे आप भी फिटनेस में एक्टिव रहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाइए। सुसाइड करना या कोई अपनी जान देना है छोटी छोटी बातों पर, ये बड़ी बात नहीं है। दुनिया में आपके साथ बहुत कुछ होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीना ही छोड़ दो। अगर आपके साथ बुरी चीज़ें नहीं हुई तो आपको अच्छी चीज़ों की वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो इसलिए बुरी चीज़ें भी होना ज़रूरी है लाइफ में। तो ऐसे ही मैं भी अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ा हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी किए, और ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं अपने आप को आगे बढ़ता गया, अपनी खुद को मैं स्ट्रॉन्गर बनाता गया। फिर मैं करते करते जब लगा कि यार और भी कुछ करना चाहिए, सिर्फ अपने आप को फिटनेस और स्पोर्ट्स के अंदर डाल के आपको कुछ नहीं मिला, आपको नाम कमाना चाहिए, नाम कमा लोगे, लेकिन अंदर से लगा कि यार नाम तो आपको स्पोर्ट्स में भी मिल रहा है, फिटनेस में भी मिल रहा है, तो क्या करना है। बहुत जगह मैंने देखा कि यार मॉडलिंग में मैंने किसी को नहीं देखा है कि रैंप वॉक पे व्हीलचेयर के साथ चलते हुए, वो मुझे डिफिकल्ट लगी। और मेरे अंदर एक ये है कि मुझे जो भी डिफिकल्ट लगता है, जो भी अंदर से लगता है कि यार मैं ये मैं नहीं कर सकता, तो मुझे वही करने का मन करता है। तो जो भी आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो उसका सामना करो। मैंने भी अपने आप को प्रिपेयर किया और बहुत बहुत जगह पे मैंने अप्लाई किया, बट फिर अभी इस साल रूबरू मिस्टर इंडिया 2023 में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं पूरी तरह लास्ट मार्च मंथ से मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा था कि मिस्टर इंडिया जो मॉडलिंग है वो बस कुछ नहीं, फोटोशूट पे रैंप वॉक भी चलना है और क्या, इजी है, कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना होता है, आपको फिजिकली सबसे बेस्ट दिखना होता है, आपके लुक्स, आपके कैरेक्टर्स, आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है उसको डेवलप करना है। सिर्फ फोटोशूट और रैंप वॉक नहीं है, तो उसके लिए इंटरव्यूज, प्रिलिमिनरीज, टैलेंट राउंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको खुद को प्रिपेयर करना होता है। इसमें आपको सब कुछ लगता है, मतलब फिजिकली, मेंटली, सबको, सब तरह प्रिपेयर होना पड़ता है। मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया और मुझे अब मेडल मिला मिस्टर इंडिया वेस्ट जोन का, और इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और अभी भी मैं उसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ऐसे ही जो भी लगे कि आपको हाँ मुझे अचीव करना है, तो डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए अपने आप को और ना निराश होइए आपकी लाइफ में। आप थोड़ा वक्त लगेगा, अगर आपको कुछ गाइडलाइंस नहीं है या तो फिर आपको कुछ दिक्कतें आ रही है, थोड़ा टाइम लीजिए, रिलैक्स कीजिए, बट ये नहीं कि आप होप छोड़ दो, जीना छोड़ दो। बस थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा वर्क बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा जो अपना फोकस है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, तो आप भी अपने आप को एक दिन ज़रूर कामयाब कर पाओगे। थैंक यू।